हेलो सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि जैसे आपको पता है कि कल रिजल्ट आया है सीएमए फाइनल और इंटर का, तो ये मैंने वीडियो अभी तो मैं फाइनल वालों के लिए बना रहा हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था कि सर फाइनल के लॉ में कितने चेंजेस हैं वो बता दो ओल्ड और न्यू के कंपैरेटिव में। तो बेटा, कुछ टीचर बोल रहे हैं तीन चैप्टर में चेंज है, कुछ कह रहे हैं चार में, कुछ कह रहे हैं पांच में। तो बेटा, मैं तुम्हें क्लियर कर दूं, अप्रोक्सीमेटली 45-50% सिलेबस में फर्क है ओल्ड और न्यू के कंपैरेटिव में। अभी दिखाता हूं कैसे, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल पहले भी जो नाम था आज भी वही नाम है, लेकिन इंटरनल कंटेंट बदल चुका है। और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल नए ऐड हुए हैं, पहले कभी थे ही नहीं। तो टोटल जोड़ जोड़ के अगर मैं बात करूं तो 45-50% सिलेबस में फर्क है। तो देखो, जैसे मैं आपसे बात करूं, ओल्ड सिलेबस में जो कंपनी लॉ था, ओल्ड सिलेबस में जो कंपनी लॉ था वो न्यू सिलेबस में एज इट इज सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसमें तो सिर्फ घटा ही घटा है, बड़ा कुछ नहीं है। ओल्ड सिलेबस में तीन चैप्टर हुआ करते थे, एक एनसीएलटी वाला, एक ऑफेंसेस पेनल्टीज वाला और एक निधि एंड प्रोड्यूसर कंपनी वाला। ये ओल्ड सिलेबस में होता था, ये तीनों कट चुके हैं, ये तीनों कट चुके हैं। लेकिन एक फर्क हो गया, अब जो पहले वाले सिलेबस में कंपनी लॉ 50 का था, न्यू सिलेबस में 40 मार्क्स का है, तो 10 नंबर भी कम कर दिए कंपनी लॉ के। तो पहले कंपनी लॉ 50 का था, अब 40 का हो गया है, और नंबर उसके क्या कर दिए, 10 कम कर दिए, और ये तीन चैप्टर उसमें से काट दिए। तो कंपनी लॉ एज इट इज सेम है, जो पहले पढ़ चुके हो, आप लोगों का बर्बाद नहीं गया। अच्छा, इसके अलावा एक चैप्टर हुआ करता था, आपको याद होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वो पहले 15 मार्क्स का होता था, अब ये काट के 10 मार्क्स का हो गया है न्यू सिलेबस के अंदर। लेकिन अब ये टोटली चेंज है, कंप्लीट चेंज है, ओल्ड और न्यू के कंटेंट में बहुत फर्क है। पूरा का पूरा ही नया है, ऑलमोस्ट समझो एक आठ टॉपिक अंदर पुराना डाल दिया और डाल दिया, ऑलमोस्ट पूरी बदल चुकी है। तो ये पूरा बदल चुका है, तो ये 10 नंबर पूरा अलग ही मानो। इसके अलावा एक चैप्टर होता था आईबीसी का, उसके अंदर भी इन्होंने एक दो टॉपिक लास्ट में इंसर्ट करे न्यू, तो उसमें भी चेंजेस हैं। तो अगर मैं पहले इंडेक्स की बात करूं तो न्यू सिलेबस में जो है वो दो पार, आपका न्यू सिलेबस का नाम है कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। तो उसमें कॉर्पोरेट लॉ के अंदर 40 मार्क्स का ये कंपनी लॉ है, यहां से लेकर यहां तक चैप्टर 1 से लेकर 16 तक। इसके अंदर क्या क्या है, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कंपनीज, मेमोरेंडम, आर्टिकल, प्रमोशन, फॉर्मेशन, ये मैंने अपनी बुक का इंडेक्स खोला जो हमने बनाई हुई, जो बच्चों को हम गूगल पे पेन ड्राइव वालों को देते हैं। और लास्ट में दो चैप्टर इन्होंने आपके कॉर्पोरेट लॉ में ऐड करें, एक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 10 मार्क्स का और एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस 10 मार्क्स का। तो जो लास्ट वाले दो चैप्टर है 20 नंबर के, ऊपर वाला पोर्शन 40 का है। तो जो ऊपर वाला पोर्शन कंपनी लॉ का 40 का है, मैंने बता दिया तुम्हारे को, पूरा सेम है ओल्ड सिलेबस के कंपैरेटिव में, सिर्फ तीन चैप्टर कटे हैं। लेकिन लास्ट वाले जो दो चैप्टर 10-10 नंबर के, इसके अंदर आईबीसी पूरा, आईबीसी के अंदर दो तीन चैप्टर ऐड हुए हैं और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पूरा ही बदल चुका है। तो ये 10 यहां पे चेंज हो गए, 3-4 नंबर का वहां पे चेंज हो गया, 5 नंबर का, 15 नंबर का बदलाव यहां हो गया। अब आओ इकोनॉमिक लॉ पे, ये लो इकोनॉमिक लॉ का इंडेक्स खोलते हैं। अभी इकोनॉमिक लॉ के इंडेक्स में ये जो आईसीडीआर रेगुलेशन है, ये पहले भी था आज भी है, लेकिन इसके अलावा इनसाइडर ट्रेडिंग पहले बहुत कम था, ये बिल्कुल नए तरीके का है, ये बिल्कुल न्यू है। सेबी टेक ओवर कोड बिल्कुल न्यू है। फेमा पहले भी था आज भी है, लेकिन इसमें भी कुछ टॉपिक इंसर्ट हुए, चेंजेस हैं। ईसीबी फर्स्ट टाइम आया, एलआरएस फर्स्ट टाइम आया, इंश्योरेंस लॉ के अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस हैं बीच बीच में। मनी लॉन्ड्रिंग सेम है, कॉम्पिटिशन एक्ट पहले की तरह सेम है, बैंकिंग रेगुलेशन सेम है, रोल ऑफ आरबीआई फर्स्ट टाइम आया, सरफेसी में बीच बीच में चेंजेस हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट फर्स्ट टाइम आया, पहले कभी था ही नहीं, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड डाटा प्राइवेसी ये भी फर्स्ट टाइम आया, साइबर क्राइम साइबर फ्रॉड फर्स्ट टाइम आया, एमएसएमई के लॉ फर्स्ट टाइम आए। तो अगर आप देखोगे तो इसमें सारे लॉ ऑलमोस्ट फर्स्ट टाइम है, और जो पहले वाले हैं भी उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हैं। तो ये 40 मार्क्स का पूरा लॉ ऑलमोस्ट बदला हुआ, 15 नंबर के वहां चेंजेस, 40, 50, 55, लेकिन बीच बीच में कुछ कुछ सेम भी है। तो आप ये मोटा मोटा मान के चलो कि 45% से लेकर 50% तक के सिलेबस में फर्क है आपका। तो जिन टीचरों ने अगर आपको बुक्स फेल दिए ना, तो आप एक बार पुराने वाले स्टडी मैट का कंटेंट और अपने नए वाले स्टडी मैट का उन चैप्टरों का कंटेंट इंटरनली मिलाकर देखना, आपको पता लग जाएगा। तो जो लोग बोल रहे हैं सेम है, ऐसा नहीं है, बहुत फर्क है, ठीक है। तो आपका 40-50% सिलेबस का फर्क है। इकोनॉमिक स्पेलिंग किसने गलत कर दी, तो अप्रोक्सीमेटली ये भी ठीक करनी पड़ेगी। चलो इसको तो भी करते हैं ठीक, ले देखे आपको सिलेबस का समझ आ गया ना। तो जैसे मैंने बोला कुछ चैप्टर पहले भी थे आज भी, जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहले भी थी आज भी, लेकिन इंटरनली बदल चुकी है। लेकिन ये सेबी टेक ओवर कोड, एमएसएमई के लॉ, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स है ना, साइबर क्राइम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट,
रोल ऑफ आरबीआई, ये सब पहले कभी थे ही नहीं। अच्छा बच्चा बोलेगा सर स्टडी मैट में इतने सारे चैप्टर नहीं दिख रहे, ये स्टडी मैट में इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि मैंने इनको चैप्टर बनाकर डाला हुआ, तुम्हारे मॉड्यूल में अलग से बटे हुए। जैसे पहले तीन चैप्टर है तुम्हारे मॉड्यूल में सेबी लॉ के नाम से और मैंने इनको खोल खोल के बना दिया, ठीक है। और तुम्हारे मॉड्यूल में जो पहला चैप्टर आईसीडीआर वाला, तुम्हारे मॉड्यूल में आईपीओ के नाम से, आईपीओ के नाम से, ठीक है ना, ये तुम्हारे स्टडी मैट के अंदर आईपीओ के नाम से। और फिर बात करते हैं कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज वाला एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लीवरेज रेमिटेंस स्कीम है, तुम्हारे मॉड्यूल में तीनों फेमा के अंदर आते हैं, मैंने अलग बना दिए। फिर मनी लॉन्ड्रिंग अलग है, फिर उसके अलावा बैंकिंग रेगुलेशन और सरफेसी और रोल ऑफ आरबीआई तुम्हारे स्टडी मैट में बैंकिंग के पार्ट में है, मैंने तीनों अलग खोल के बना दिए। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डाटा प्राइवेसी और साइबर क्राइम, ये तीनों चैप्टर तुम्हारे स्टडी मैट के अंदर साइबर क्राइम के नाम से है, पता नहीं साइबर फ्रॉड के नाम से है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से, कुछ ऐसे नाम से एक चैप्टर है पूरे, तो उसके अंदर ये तीन पार्ट बने हैं, मैंने अलग से बना दिए। तो करते करते लेकिन स्टिल मैंने तुम्हारे को बता दिया कि 45-50% सिलेबस मानो चेंज है, 45% तो मान के चलो चेंज है, कुछ पूरे नए हैं, कुछ में बीच बीच में ऐड है और कुछ आपका ऐसा है कि पहले जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस टाइप जो पूरे बदल चुके हैं। तो बच्चे ना मेरे से, क्योंकि क्या हो रहा है, दो दिन जब से रिजल्ट आया ना कल से मैसेज आ रहा है कि सर हमने क्लास कहीं और ली थी या आपसे ली थी, तो अब हमारे को खाली चेंजेस चेंजेस वाले चैप्टर की क्लासेस चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको पूरा लेना पड़ेगा, बेटर है पूरा ले लोगे तो, क्योंकि 45-50% फर्क है एक नए और बीच बीच में ऐड है, कहां कहां से ढूंढते रहोगे। तो बेटर है कि आप हमारे जब लेक्चर्स लोगे तो आप हमारे से न्यू सिलेबस की बुक, न्यू सिलेबस के लेक्चर्स कंप्लीट लो प्रॉपर, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर आपको खाली चेंजेस वाला पोर्शन चाहिए 50% का, तो मैं अलग से प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके चार्जेस लेकर वो भी लेना चाहो तो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको अगर सीएमए फाइनल के लॉ की क्लासेस चाहिए हो ना, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे तीन चीजें लिखकर भेज देना, आपका नेम, एक्स वाई जेड जो भी है, आपका लेवल, लेवल में आप लिखोगे सीएमए फाइनल, एंड आपका पर्पस, पर्पस के अंदर आप लिखोगे इंक्वायरी फॉर सीएमए फाइनल लॉ। आप मेरे को व्हाट्सएप पे तीन चीजें लिख के भेज देना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8802233513, यही नंबर स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहा है, आप ये तीन चीजें लिखकर दे देना, मैं आपको प्राइसिंग, वैलिडिटी, व्यू सारी डिटेल दे दूंगा। एंड गाइज, वैसे तो बहुत सारे बच्चे मेरे को जानते ही हैं हमारे बारे में, लेकिन जो पहली बार आए हैं चैनल पे, है ना, तो उनको आप लोग हमारे रिजल्ट्स के बारे में, जिनको हमारे बारे में नहीं पता, हमारा फीडबैक नहीं पता, तो आप लोग अगर हमारा आज का रिजल्ट देखोगे जो कल जो आया है, इसमें ऑल इंडिया रैंक 21 हमारे यहाँ से है, 65 मार्क्स है इस लड़की के लॉ के अंदर कंचन झा। क्योंकि मेरे को खाली रैंक से मतलब नहीं होता, मार्क्स जो है ना वो आने चाहिए बच्चे के हमारे सब्जेक्ट में जो मैं लॉ ऑडिट पढ़ाता हूँ। एक ही लड़की थी ये, देखो मैं देख रहा था, इसके 73 मार्क्स है इसके सीएमए इंटर लॉ के अंदर, शिशि जागी उसके 65 सीएमए फाइनल के लॉ में थे। ये एक नितेश यादव, इसके ऑल इंडिया रैंक 44 है। ये अनिल यादव, इसके 61 है। ये तो मैं कुछ रिजल्ट्स निकाल कर आया हूं, 250 से ऊपर रिजल्ट्स बनने गए हुए, अभी लगाऊंगा मैं इनको कल। पिछले अटेम्प्ट के अंदर एक शीतल मेनन नाम की लड़की, जिसके 84 मार्क्स है सीएमए फाइनल के अंदर। तो मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि आप निश्चिंत होकर आओगे और आप एक बार सिर्फ हमारी बुक कर लोगे, लेक्चर्स कर लोगे, तो आपको अलग से कुछ नहीं करना, उससे बाहर पेपर नहीं आता, ये जिम्मेवारी मेरी है, ठीक है ना। फुल एंड फाइनल आप तैयारी होगी आपकी, बाकी डिटेल्स मैंने आपको दे दी है, तीन चीजें मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, मैं आपको डिटेल दे दूंगा, प्राइसिंग, वैलिडिटी, व्यू के साथ। जून का प्राइस अलग है, दिसंबर का अलग है, और वो मैं आपको सारी डिटेल आ जाएंगे, आप तीन चीज लिख के भेजोगे। और प्लस अगर आपको खाली वो पार्शल लॉ चाहिए 50% वाला पोर्शन वाला, तो वो भी अवेलेबल है, मैंने आपको बता ही दिया। मेरा सजेशन यही है, क्योंकि आप पूरा लो, जो हमारे ही पढ़े हुए बच्चे हैं ना, हमसे ही ओल्ड सिलेबस में पढ़े हैं, वो तो आप आधा भी ले लोगे तो चलेगा, क्योंकि आपका मेरा कंपनी लॉ से बेस बना हुआ है। लेकिन जो आउटसाइडर वाले बच्चे हैं, हमारा लॉ पढ़ाने का तरीका बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है, हम कनेक्टिविटी करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको मेरा सजेशन यही है कि आप पूरा ही लेना, आप आधे के चक्कर में मत पढ़ना, आप फिर इंटरकनेक्ट कर पाओगे चीजों को जब मैं जोड़ूंगा। तो जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो तो जोड़ पाएंगे, लेकिन वरना अगर मैं अलाइड लॉ में कुछ चीजें कंपनी लॉ से लिंक करूंगा, तो आपको लगेगा यार हमारे टीचर ने तो सिखाई नहीं दी है, है ना। तो और लेकिन जो हमारे पढ़े होंगे उनको पता होगी, तो इसलिए बेटर है कि आउटसाइड वाले एकेडमी वाले बच्चे हमसे ले रहे, कोशिश करना पूरा लो, लेकिन स्टिल फैसिलिटी तो आपको भी आधा लो लेने की, और जो हमारे बच्चे हैं वो तो आप आधा लो या पूरा लो, आपके लिए तो सारे ऑप्शन है ही, ठीक है जी। चलो बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा, एंड आई होप आपका वो डाउट क्लियर हो गया होगा कि कितने चेंजेस में फर्क, लॉ में कितने चेंजेस हैं ओल्ड वर्सेस न्यू में।